बच्चों की खुशी देखे यहाँ पर। छोटे गमले जो आपके घर को सौंदर्यमयी बना सकते हैं। और इस बार नया रखा है गन्ने का जूस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आज है हमारे मेले का तीसरा दिन और आज मस्त मौला एकदम मौसम हो रहा है, बारिश और तूफान के साथ एकदम ठंडा हो रहा है मौसम। जैसा कि आपको दिखा दें, हम ये देखिए पूरा मौसम उधर से बारिश हल्की हल्की आ भी रही है, बूंदाबांदी हल्की हल्की हो गई है शुरू, और ये पूरा मौसम तूफान के साथ एकदम बारिश नुमा हो चुका है। और धीरे धीरे आज हम पहुँच चुके हैं अब मेले की ओर। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पहुंच चुके हैं सबसे मेन जगह यानी मच्छर बाजार में, और यहां पर आप देख सकते हैं पूरा झूले वूले, सबसे मनोरंजन वाली जगह जो होती है यही है। और यहां पर एक झूला रखे हैं। यहां पर सबसे पहले उधर सामने देख सकते हैं मिक्की माउस, उसके बाद यहां पर गोल चक्री, उसके बाद यहां पर ड्रैगन वाला झूला, और उसके बाद चलिए ट्रेन। ये ट्रेन आपको कहाँ से कहाँ बता देगी आपको पता नहीं चल पाएगा, और हॉर्न के साथ बज रही है ऊपर से, है ना, तो ऐसा कुछ माहौल। और आज तो पब्लिक की भीड़ देख सकते हैं आप, और छोटे बच्चे जंपिंग जमा में झूला खेलते हुए, और ऐसा ही कुछ मौसम भी ऊपर से साथ दे रहा है एकदम सुहाना मौसम के साथ, मज़े दोगुने कर दिए हैं मौसम। इस बार वाटर बोटिंग भी आई हुई है मासी क्षेत्र में, और देख सकते हैं पूरा यहाँ पर एरिया बनाया गया है एनजीआर द्वारा, जिस जहाँ पर आप वाटर बोटिंग कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं जनता वाटर बोटिंग का लुक और मज़ा साथ साथ उठा रही है, और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पूरी सिक्योरिटी और पूरी आपको दिशा निर्देश दे के पानी के बीच में जाने दे रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं एक बड़ा सा गुब्बारा जिसके बीच में आप बैठ के पानी के अंदर बीच में घूम सकते हैं, है ना जी। और ऐसे ही पूरा एरिया यहाँ पर पूरा वाटर बोटिंग का बनाया गया है, और सामने बच्चों के लिए, छोटे से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर आपको एक टैंक के रूम में बना के दिया गया है, जिसमें कि बच्चे बैठ के यहाँ पर छोटी सी जगह पे और पूरी सिक्योरिटी के साथ पानी में बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। और ये भी आया हुआ है पर अभी ये बंद है तो इसलिए जा नहीं रहा है, थोड़ी देर में अभी चालू हो गए। और ऐसे ही पूरा यहाँ पर एरिया वाटर बोटिंग का है, और इधर सामने झूले वूले भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए थोड़ा बस का इंतजाम नहीं हो रहा था, यहाँ पर ट्रेन मंगा दी गई है। सामने आप देखते हैं ट्रेन का लुक बना रहे हैं, 50 रुपये टिकट में आपको ट्रेन की यात्रा होगी यहाँ पर बहुत लंबी। अभी सीट बुकिंग हो रही है, सब अपनी टिकट ला रहे हैं और बैठ रहे हैं, उसके बाद अभी चालू होगी तो हम आपको दिखाएंगे। और सामने सबसे बड़ा वाला झूला आप देख सकते हैं, और उसके बीच में है ड्रैगन वाला झूला, और यहाँ पर ट्रेन आई है इस बार नई एकदम मस्त वाली। अब थोड़ी देर में हॉर्न बजेगा उसके बाद चल जाएगी ट्रेन, देखिए आप। और हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है, और उसी में आपको ट्रेन की यात्रा दोगुना मजा देती है। जैसे देख सकते हैं आप ट्रेन अब चल चुकी है, मात्र 50 रुपये में आप यहाँ से दिल्ली का दुबई हुबई सब घूम सकते हैं। ये देखिए आ गए यात्रीगण, चल गई ट्रेन चल गई। कुछ इस अंदाज से चल रही है ट्रेन, छोटा सा ट्रैक बनाया गया है और उसी में आपको सारे मज़े ट्रेन के दे दिए गए हैं। अभी तो हॉर्न नहीं बजा, वरना हॉर्न भी बजता है बीच बीच में, आप बजाएंगे देखिए। ये देखिए लुप्त उठा रहे हैं, पूरी मौज कर रहे हैं क्षेत्रीय जनता ट्रेन का। और सामने ड्रैगन वाला झूला आप देख सकते हैं ऊंचाई छूता हुआ, बच्चों की खुशी देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है जंपिंग जमा करने के लिए, जंपिंग जमा में अपना पसीना बगा रहे हैं और फुल मौज कर रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। ये देखिए
और इसका है किराया मात्र 30 रुपये। ये देखिए हम हो गए बड़े, अब आए तब हम तो जा नहीं सकते इसके अंदर, है ना। तो ये वाला मज़ा हम छोड़ चुके हैं। मिक्की माउस बच्चों का सबसे शानदार खेल, देख सकते हैं बच्चों ऊपर से आ रहे हैं, घुस घुसी खेल रहे हैं, कूद के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं पर आ रहे हैं नीचे। और मौज है इनकी पूरी की पूरी। ये देखिए ये ऐसे भीड़ देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को खुशी के लिए देखिए कितने उत्साहित है बच्चे ऊपर। ये यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगी हुई है दोनों झूलों में, जगहों की नाम नहीं है जगहों का। सीट बुक करने के लिए आपको पहले ही लाइन में लगना पड़ेगा, ऐसा भीड़ रखी है इस बात। ये देखिए चल गया, ये वाला धुल गया, वो वाला भी चल गया है, पूरी फुल पैक जो कहते हैं ना उस टाइप का झूला उड़ गया। अभी थोड़ा तूफान की वजह से थोड़ा धूल मिट्टी आ रही है और आगे बढ़ रहे हैं। आगे के मार्केट आप देख सकते हैं, इधर आकर आपको चक्री फेंकने वाला, पैसे कमाओ 10 रुपये में 50 रुपये कमा वाला है, पर ये सब लक की बात होती है और स्किल की बात होती है। इधर आ रखे हैं आपकी गमले, सुंदर सुंदर गमले आ रखे हैं बने हुए, और पुलिस वाले पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं सभी की सुरक्षा के कारण। और इधर सामने आप देख सकते हैं इधर बर्तन हर्तन आ रखे हैं, हर प्रकार के बर्तन, हर प्रकार के औजार, और इधर महिलाओं की पायल हायल कंगन हंगन झुमके उमके, इधर सामने नमकीन, और इधर महिलाओं के कपड़े, और इधर को कुछ फिर से औजार, इधर चाउमीन मोमो बर्गर सब 20 रुपये 30 रुपये 20 रुपये 30 रुपये टिक्की 20 रुपये और फुल पैक देख सकते हैं आप। और आगे की जनता देख सकते हैं आप, भीड़ देखिए फुल पैक है, फुल पैक। और आगे बढ़ते हैं, इधर इसमें छोटे छोटे गमले जो आपके घर को सौंदर्यमयी बना सकते हैं, और इधर चश्मा रखें, इधर भी छोटे गमले घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। इधर एक से बढ़कर एक मैट है, आरखी है मैट देख सकते हैं आप। आगे 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 कुछ ये है हमारी गांव की महिलाएं, भाभियां, ताई, अम्मा सभी। और अब आगे बढ़ते हैं, ये घूम रहे हैं, घूमिए फुल घूमिए। इधर सब खेल के लिए स्पेशल इनाम जीतो। और सामने आप देख सकते हैं ऐसे ही कुछ खास नज़ारे, इधर आप देख सकते हैं बेल्ट सॉक्स टू पीस, और इधर सामने इधर चद्दर हद्दर सभी, और इधर ये सबसे बेस्ट चीज़ आई है, आप ये शिवलिंग देख सकते हैं आप एक से बढ़कर एक, और सभी भगवानों की मूर्तियाँ देख सकते हैं। किस हिसाब से प्राइस है भैया इनका, प्राइस कितना है, अलग अलग रेट के हैं, 100-200 रुपये बैठे, 50-100-200 इस हिसाब से हैं। सही में अपना रेट लिखा है, सबसे अच्छी सुंदरता वाली, और केदारनाथ मंदिर में दिखाया गया है, इसमें राम मंदिर दिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार के पर्दे आ रखे हैं, एक से बढ़कर एक पर्दे, और इधर भी कंबल पर्दे हर्दे सभी एक प्रकार के, एक चद्दर एक से बढ़कर एक। और इस प्रकार इधर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन वाला रखे हैं, देख सकते हैं आप पढ़ाई एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कढ़ाई रखी है। इस बार बर्तनों की मात्रा ज़्यादा है मार्केट में, और चद्दर कंबल तकिए एक से बढ़कर एक, ऐसे ही मार्केट आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए पूरी मार्केट खचाखच भरी हुई है इस बार, और क्षेत्रवासी जनता सभी खचाखच पूरी मार्केट में फैले हुए हैं। और ये बर्तन देखिए आप, टिफिन हिपिन लोटे टिफिन थाली परात एक से बढ़कर एक सजी हुई है। ये देखिए
20 रुपये का। इधर आ रखे लूबर्स आ रखी हैं और इधर आ गए चप्पल शूज आ रखे, एक से बढ़कर एक शूज देखते हैं। ये देखिए जिसको भी लेना है यहाँ पर पहुँचिए। कहाँ पर? यहाँ पर थाने के सामने शूज की फूल एक से बढ़कर एक शूज। और आगे बढ़ते हैं मार्केट में, आगे देखते रहते। देखिए आप मार्केट हमारी इस बार की मेले की मार्केट दिखाएंगे आप, फुल ए टू जेड दिखाएंगे हम आपको। और इधर महिलाओं के बैग पर्स एक से बढ़कर एक। और इधर देख सकते हैं हम नमकीन स्पेशल नमकीन। और स्टेज देख सकते हैं आप, सामने स्टेज है और शानदार कार्यक्रम चल ही रहे हैं यहाँ पर। खचाखच भीड़ भरी हुई, महिलाएं बैठी हुई और कार्यक्रम का आनंद ले रही हुई। और सामने की भीड़। तो दोस्तों अब चलते हैं तलबजार की ओर। यहाँ देखते हैं शुरुआत हो चुकी है तलबजार की। और यहाँ पर सबसे पहले आपके पायलिया, उसके बाद प्लास्टिक की बोतलें डिब्बे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं महिलाओं की भीड़। और सामने छोटे बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं, इधर फुल भीड़ है, जगह नहीं है बिल्कुल जाने की आने जाने की। ये देखिए बर्तन है और ये देख सकते हैं इधर पूरी फुल पैक। ये गले को गलो बंदा और ये यहाँ पर पर्स एक से बढ़कर एक पर्स। भैया क्या हाल चाल? ठीक हो? बढ़िया है। और ठीक हो? सब बढ़िया है, आप बताएं? मैं बढ़िया। और क्या? इधर पर्स है, किस हिसाब से भैया पर्स? भैया सब 100 रुपये से स्टार्टिंग है। बिक रहे नहीं बिक रहे? सही बिक रहे हैं, सेल सेल है, अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी। चलो आगे बढ़ते हैं। और इधर देख सकते हैं आप टी शर्ट, आगे बढ़ते हैं। इधर फूल आ रखे हैं सुंदर सुंदर फूल और प्लास्टिक के हैं। और आगे बढ़ते हैं, इधर फ्रॉक आ रखे हैं। सामने आप देख सकते हैं बर्तन, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, चप्पल महिलाओं के, लड़कों के नहीं। ठीक है बोल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकने का टन नाम नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ है कि चलते रहो है। ये देखिए इधर आप देखते हैं टी शर्ट आ रखी है, लोवर्स आ रखी हैं, पूरे फिट कॉस्ट्यूम जिसे लेने यहाँ पहुँच जाएँ तलबजार में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और इधर भी बॉयज़ के टी शर्ट्स, एक सब प्रिंटेड टी शर्ट्स हैं यहाँ पर, सिंपल नहीं है प्रिंटेड हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलते रहो आगे बढ़ते रहो। इधर पूरा महिलाओं के ड्रेस कपड़े हैं, सामने आ देखते हैं फ्रॉक सूट सफारी सभी। आगे बढ़ रहे हैं, इधर चूड़िया कंगन, कंगन दिला दो कंगन। ये देखो कंगन 50 के 4। आगे बढ़ते हैं और इधर प्लास्टिक के टब, पार्टी टब 2.5 लाख घर वाली वो कतो सी 100 रुपये ज़्यादा सही से बोलो सही घर बा। और इधर पूरा प्लास्टिक सामान टब जो मेन हमारे काम काज में आता है, उपयोग होते हैं वो चीज़ें सिंपल। ये है स्वरोजगार अपनाने की नीति, देख सकते हैं आप। हमारे चंदू भाई ने मेले में अपनी छोटी सी दुकान सजाई हुई है बच्चों के खिलौने वाली, हैशटैग इन्होंने एक स्वरोजगार और अपनाया है, बिस्ट वेडिंग फोटोग्राफी। जिसे भी वेडिंग फोटोग्राफी, कुछ भी बर्थडे फोटोग्राफी, कुछ भी फोटोग्राफी करनी है
इनसे संपर्क करें, वीडियोग्राफी करनी है इनसे संपर्क करें। और इन्होंने अभी छोटे सा रोज़गार अपनाया हुआ है, अपने इस क्षेत्र में रोज़गार बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए अभी 100 रुपये के क्या बनाना है, गुब्बारे लाइट वाला गुब्बारा जैसे ये है, ये देख सकते हैं इस टाइप के। ये देखिए चम 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 चम। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और भी दुकानें दिखाते हैं आपको। और इधर पायल हैं और झुमके हैं, झुमके झुमके। और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे इधर चप्पल शूज़ रखे हैं, 150 के शूज़ हैं, सॉरी 300 के शूज़ हैं बॉम्बे शूज, और 150 के सैंडल्स हैं, 100 के चप्पल्स हैं। और ये हमारे महजदा हैं, कौन से ले रहे हो सामान, कौन से शूज ले लो, पसंद नहीं आ रहे समझ। अरे इतने सारे तो हैं, कोई से भी ले लो, यार लो वालो नहीं आ रहे। ये वाइट तो पसंद नहीं है वैसे। हाँ बढ़िया। और इधर देख सकते हैं आप चूड़ियाँ हैं, कंगन है, और इधर पायलियाँ हैं, और महिलाएं चूड़ियाँ पहन भी रही हैं साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं, इधर सैंडल बॉम्बे वाले सैंडल 100 रुपये से 150 रुपये, महिलाओं के सस्ते हैं यार। और इधर झुमकी झुमकी कहले मुलाई 100 रुपये की झुमकी रे हैं, ये झुमकी हैं। और आगे देखो सामने बढ़ो 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 बढ़ो, जो टैटू का इंतजार, तो टैटू वाले यहाँ बैठे आज, आँखें का टैटू वाले मिल गए, ये हैं टैटू वाले, एक से बढ़कर एक टैटू। और आगे बढ़ते हैं, ये है खिलौने बच्चों के, ये देखो माउजर गन का है, हमारी माउजर गन वो देख रहे हो पहले, ये देखो हमारी अजय वो रही माउजर गन, ये वाली माउजर गन देखो, पहले हम भी लेते थे 50 रुपये की। आपके नौकरी का प्राइस 80 रुपये, अब 80 रुपये हो गया इनका, 100 रुपये। अच्छा ये बड़ी वाली माउजर है, तो हमारे समझ में यही चलती थी सबसे बेस्ट वाली। और ये है खिलौने छोटे छोटे बच्चों के। और इधर मसाले, कड़े मसाले, खड़े मसाले हैं ये, खड़े मसाले, ये नई दुकान आ रही है खड़े मसालों की, सारे के सारे खड़े मसाले। और इधर टब आ रखे हैं, देख सकते हैं आप टब, इधर प्लास्टिक की बोतलें होतलें, इधर टी शर्ट्स बच्चों के कपड़े हैं, इधर बैग्स रखे हैं, सभी बैग्स छोटे छोटे बड़े से बड़े, इधर स्कूल बैग्स भी हैं बच्चों के, स्कूल बैग्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी समय है आपके पास मात्र 4 दिन का, ठीक आगे बढ़ते हैं। और यहाँ टी शर्ट्स, लोवर्स, और यहाँ पर सूट, ऐसे ही सामने यहाँ पर से अब हो चुके हैं दुकानों की समाप्ति। ये थे हमारे इस बार के मेले में आए हुए दुकानें सभी की सभी। लास्ट दुकान है हमारी ये बर्तनों की, जिसमें छोटे छोटे कटोरी होटोरी गिलास लास छोटे छोटे बर्तन होते हैं, इनके पास हैवी बर्तन नहीं मिलेंगे, छोटे बर्तन मिलेंगे उसके। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक कप बर्तन, और देख सकते हैं आप बहुत चीज़ें हैं। और इधर स्टील के बर्तन मिल जाएंगे आपको, और यहाँ से होती है दुकानों की समाप्ति। और अमाउंट ने ले लिया है पानी भरने के लिए टप, ये देखिए सबसे ज़्यादा खरीदारी इनकी हो रही है। और यहाँ पर से हमारे मार्केट समाप्त होती है, जो इस बार आई है शहर से यहाँ पर मेले के रूम में, है ना, मेले में। और यहाँ पर सामने आप देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इस बार की सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखते हैं मेगा भोजनालय की, से टिक्की बिक रही हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं, सामने आ सकते हैं गोलगप्पे बिक रहे हैं, टिक्की बिक रही हैं, और जलेबियाँ तो बिक ही रही हैं, फुल भीड़ उठ गई है, फुल ए टू जैसे सामने देखते हैं आप, लाइन लगी हुई है। और इधर सामने आइसक्रीम है, आइसक्रीम आप इधर खा सकते हैं, ऐसे ही फुल भीड़ है, और मार्केट भी फुल पैक है, ए टू जेड मार्केट पैक है इस बार। इस बार नया आ रखा है गन्ने का जूस का स्टॉल इस बार सोमनाथ मेले पहली बार रखा है, देख सकते हैं आप, और भीड़ भी लगी पड़ी है गन्ने के जूस पीने के लिए।
यहाँ से आप देखते हैं सोमनाथ मेले का बेस्ट मूवमेंट एरिया। यहाँ पर बैठ के अच्छे से आप पूरे मेले का मजा ले सकते हैं। देख सकते हैं कैसे उमड़ी हुई भीड़ पूरे मेले का मजा ले रही है, लुत्फ उठा रही है। और सामने आप देख सकते हैं बोटिंग भी हो रही है साथ साथ में।